आ गया तू जवान हो के, तुझे तो मार दिया था, अब तू फिर आ गया। पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है, बिजली आ रही है, सब मजे से बैठे हुए हैं, सबको लग रहा है कि बिल नहीं आएगा, हालांकि बिल आएगा। लॉकडाउन बंद होगा, मीटर चालू होगा, मीटर चालू होगा, घंटी बजेगी, घंटी बजेगी, तुम गेट खोलोगे, गेट के नीचे बिल पड़ा होगा 1,00,000 रुपए का, उसके नीचे लिखा होगा ये तो होगा। आज 22 तारीख है, बिजली गैस के बिल नहीं आए यार, कहीं कोरोना की वजह से हुकूमत ने माफ तो नहीं कर दिए? रिवाइज़ यार। हेलो, मैं तुम्हें कुछ मुखातिब हूँ यार। अब्बा जी बिल तो कल ही आ गया था। कितना आया है? मैं नहीं बताऊंगा। पता ना देख रही हो कितना बदतमीज हो गया, इतना बड़ा हो गया, घर वेला बैठा हुआ है, इससे बोलो कोई काम धंधा करे, ताकि जहाँ पे इसके रिश्ते की बात की अब बात चला सके हम। अब्बा मैं काम धंधा तो कर लूंगा, लेकिन रक्षंदा से शादी नहीं करूँ। अब तू बाप की नाक कटवाएगा क्या? तो मेरे बच्चे तू कहाँ शादी करना चाहता है? मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। बेटा ये जो तू सोच रहा है ना, ये नहीं होगा। आप जो मर्जी कह ले पर ये तो होगा। अच्छा नाम क्या है उसका, कौन है वो लड़की? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बताना तो तेरे बाप को भी पड़ेगा। मतलब आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इधर उधर की बकवास मत करो, बताओगे तो हम उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे ना। अभी मैं उसे बचपन से बहुत प्यार करता हूँ। हुआ ये कि जब मैं मुद्दत के बाद उसके घर गया तो उसकी माँ बोली, आ गया तू जवान हो के। अब्बा यकीन माने वो बहुत अच्छी है, आप दोनों का बहुत ख्याल रखेगी। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। अब आप देख रहे हैं ना, हर वक्त मुझे मारता रहता है, डांटता भी रहता है। मैंने क्या शुरू में बताया था? ओहो लड़ो मत यार, क्या हो गया? लड़ो मत यार, क्या कर रहे हो? अब्बा मार मार साले को, मार मार साले को, मार। खोपड़ी तोड़ साले, छोड़ मुझे छोड़। और इस बात सुन ले, वो इधर भी आ जाओ यार, इधर आ जाओ, इसको छोड़ो, उसको लड़ो ना मत, लड़ो उसको ना, मार उसको यार, तू उसको। अरे लगेगा मेरे को, ये मार मारो का खोपड़ी तोड़ साले का, मार।